तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। ये वाले वीडियो बेस्ड है 777 की एक नई मोन्टाज द हिल्स के ऊपर। तो इस वाले वीडियो में हम तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे, स्काई ग्लो, कलर ग्रेडिंग एंड तीसरा जो है एनिमेशन। तो इस एलाइट मोशन एप्लीकेशन में हम स्काई ग्लो एंड कलर ग्रेडिंग करेंगे, देन काइन मास्टर में हम एनिमेशन करेंगे, क्योंकि काइन मास्टर में एनिमेशन मुझे ज़्यादा ईजी लगता है। तो सबसे पहले आपको पबजी वीडियोज़ को स्लो मोशन में कन्वर्ट कर लेना है, देन उसके बाद एलाइट मोशन में इम्पोर्ट कर लेना है, देन उसके बाद हम इसमें स्काई ग्लो एंड कलर ग्रेडिंग ऐड करेंगे। तो कलर ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपको इफेक्ट्स पर जाना है, देन उसके बाद ऐड इफेक्ट करना है, देन एक इफेक्ट ढूंढना है जिसका नाम है कलर ट्यून। वो आपको कलर एंड लाइट के ऑप्शन पे मिल जाएगा, इसको ऐड करना है आपको। देन उसके बाद मैं जैसा जैसा यहाँ पर वीडियो में शो कर रहा हूँ आपको सिंपल से वैसे ही फॉलो करना है। यहाँ पर मैं ब्लू कलर की ओर ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पर लाइन को, तो अगर आपका कलर थीम कोई और है तो उस कलर की ओर आप ड्रैग कर सकते हो। एंड राइट साइड में जो ड्रैग करने के लिए ऑप्शन है वो आपके इफेक्ट को हार्ड या फिर सॉफ्ट करने के लिए वो इफेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा कलर ट्यून का काम खत्म हो चुका है। अब हमें एक और इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम है विग्निटी। वो आपको मैट मास्क एंड की के ऑप्शन पर मिल जाएगा, तो उसको आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर हम विग्निटी का जो राउंडनेस है उसको अराउंड 60-65% तक रखेंगे, एंड उसके बाद फेदर एंड उसका जो स्ट्रेंथ है उसको पूरा ही फुल कर देंगे। देन हमें शार्पन इफेक्ट ऐड करना है जो कि हमें ब्लर के ऑप्शन पे मिल जाएगा, तो इसको आपको ऐड कर लेना है। एंड उसका स्ट्रेंथ जो है आप 0.10-0.15 तक रख सकते हो। यहाँ पर हमारा तीन इफेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, देन हमें एक लास्ट इफेक्ट ऐड करना है जो कि है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। सैचुरेशन को हमको कम रखना है क्योंकि ऑब्वियसली 777 के जो जितने भी वीडियोस होते हैं वो कम सैचुरेशन वाली होती है, कोई भी वीडियोस में उसका सैचुरेशन जो है ज़्यादा नहीं होता। तो इसके लिए आपको सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस वाला एक ऑप्शन, एक इफेक्ट आपको ढूंढना है जो कि आपको कलर एंड लाइट के ऑप्शन पर मिल जाएगा, उसको ऐड करना है। देन उसका जो सैचुरेशन का स्ट्रेंथ है उसको माइनस 25 तक रखना है, 25% रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा कलर ग्रेडिंग जो है कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ पर हमको स्काई ग्लो ऐड करना है। इसके लिए आप इस वाले क्लिप को जो है डुप्लीकेट कर सकते हो या फिर एक और इमेज इसके ऊपर जो है ऐड कर सकते हो स्क्वायर टाइप का। तो यहाँ पर मैं एक इमेज उसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ, डुप्लीकेट नहीं करूँगा मैं इसको, देन उसके बाद हम स्काई ग्लो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्लस के आइकॉन पर क्लिक करना है, देन उसके बाद एक स्क्वायर टाइप का आपको इमेज दिखेगा, स्क्वायर टाइप का ऑप्शन दिखेगा, उसको सिलेक्ट करना है एंड आपके वीडियो क्लिप के ऊपर उसको पूरी तरीके से जो है फिल कर देना है। एंड इसकी जो लेंथ है आपको आपकी वीडियो क्लिप के साथ मैच करानी है। तो यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल इमेज जो है ऐड हो चुका है। अब स्काई ग्लो में जितने भी इफेक्ट्स यूज़ होंगे वो सब हम इस रेक्टेंगल इमेज पर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आपको कॉपी बैकग्राउंड एक इफेक्ट ऐड करना है,
जो कि सबसे लास्ट में अदर के ऑप्शन पर मिलेगा, उसको ऐड कर लेना है। देन उसके बाद हम एक्सपोजर एंड गामा का एक इफेक्ट जो है हम ऐड करेंगे, जो कि कलर एंड लाइट के ऑप्शन पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले एक्सपोजर को आपको पूरा फुल कर देना है, देन उसके बाद गामा को डिक्रीज करना है, एंड इस तरीके से डिक्रीज करना है जैसे कि आपको जिस भी जगह पर ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए वो जो है विजिबल रहे एंड बाकी सब जो है डार्क हो जाए, जैसे कि स्काई जो है विजिबल रहेगा एंड ग्राउंड के कुछ पार्ट एंड कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका थोड़ा सा अपर पार्ट वो सब जो है आपको विजिबल रखना है एंड बाकी सब जो है डिक्रीज कर देना है, एंड ऑफसेट को भी आपको उसी तरीके से इसका वैल्यू वगैरह पुट करना है। नेक्स्ट आपको एक और इफेक्ट ऐड करना है, इसका नाम है गॉशियन ब्लर, वो आपको ब्लर के ऑप्शन पे मिल जाएगा। देन उसके बाद उसका ब्लर स्ट्रेंथ जो है आपको 0.500 टू 0.600 तक आपको रखना है। तो यहाँ पर हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस हमें इस लेयर को जो है इसका ब्लेंडिंग मोड हमें लीनियर डॉज करना है, जो कि लाइट टेन के ऑप्शन पर आपको मिलेगा। देन उसके बाद अगर आपको इफेक्ट जो है कम ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पर आप ओपेसिटी को कम कर सकते हो अगर ज़्यादा इफेक्ट लग रहा है, एंड या फिर आप एक्सपोजर एंड गामा में जाकर भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको कलर कुछ और चाहिए, पिंक रेड या फिर ग्रीन वगैरह इफेक्ट चाहिए, तो यहाँ पर आप हॉट कलर एक ऑप्शन है, एक इफेक्ट है, वो आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। बट यहाँ पर जो नॉर्मल ग्लो है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर मैं हॉट कलर को डिलीट कर दूंगा, बस यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए इसको सिलेक्ट किया था। हमारा जो सारे इफेक्ट्स वो ऐड हो चुके हैं, बस आपको प्ले करके देखना है कि सारी जगह जो है इफेक्ट अच्छे से ऐड हुआ है कि नहीं, कलर ग्रेड अच्छे से हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आप वापस से उन सब की वैल्यू को जो है कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर सारी चीज़ें सेट हैं तो उसके बाद आपको फिर से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक पैक का लिंक दिया है, उसमें आपको एक सिनेमेटिक बार वाला PNG मिलेगा, उसको आपको ऐड कर लेना है, देन उसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना है। एंड देन उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाना है एंड राइट साइड के तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, एंड देन बीच में जो आपको लाइन दिख रही है उसको राइट टू लेफ्ट की ओर ड्रैग करते रहना है, ताकि आपका सिनेमेटिक बार जो है जूम होता रहे, मतलब छोटा हो जाए। देन आप इस हिसाब से आपको सिनेमेटिक बार कितने साइज का चाहिए उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर एलाइड मोशन का काम कंप्लीट हो चुका है, बस आपको इस क्लिप को एक्सपोर्ट कर देना है, देन हम एनिमेशन देंगे काइन मास्टर में। तो आपको काइन मास्टर में जाना है एंड ब्लैक कलर का एक वीडियो क्लिप एज अ बैकग्राउंड आपको यूज़ करना है। देन उसके बाद अभी एलाइड मोशन में हमने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था उसको काइन मास्टर में एज अ लेयर इम्पोर्ट कर लेना है, क्योंकि लेयर में ही जो है काइन मास्टर में हम एनिमेशन देखें एंड उसका जो है रोटेट वगैरह हम कर सकते हैं। अगर आप आज अब बैकग्राउंड लोगे तो रोटेट वगैरह नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपको जो है सॉन्ग ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर द हिल सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ, एंड अगर आपने वो सॉन्ग सुना होगा तो आपको पता होगा कि इसका स्टार्टिंग में जो है बीट स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिस्टेंस में जो है सॉन्ग को ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपको ब्लैक कलर का वीडियो क्लिप ऐड करना है एज अ लेयर, एंड उसको आपके वीडियो क्लिप के ऊपर पूरा फैला देना है, एंड उसका टाइम ड्यूरेशन जो आपको कम रखना है, हमारे सॉन्ग के बीट से पहले आपको रखना है उसको। देन जब बीट स्टार्ट होगा तब हम एक एनिमेशन देंगे जूम इन वाला,
तब हमें ये ब्लैक कलर का स्क्रीन जो है हेल्प करेगा। वीडियो में आपको आगे पता चलेगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपको बीट के पूरा स्टार्टिंग पर जाना है एंड देन आपके पबजी क्लिप को सिलेक्ट करना है एंड लेफ्ट साइड में एक की का ऑप्शन मिलेगा आपको की फ्रेम का, उसको सिलेक्ट करना है देन एक की फ्रेम लगाना है प्लस वाला, जो राइट साइड में आपको दिख रहा है प्लस माइनस वो प्लस वाला लगाना है एंड देन आपके वीडियो क्लिप को जिस भी डायरेक्शन में आप रोटेट करना चाहते हो वो रोटेट कर लो, देन उसको ड्रैग कर लो पूरा फुल, और ड्रैग ऐसा करना कि आपका जो सिनेमेटिक बार है वो शो ना हो, तो इस हिसाब से आप ड्रैग करना। एंड देन हमें एक और की फ्रेम लगाना है एंड हमारे पबजी वीडियो क्लिप को जो है पूरा सीधा कर देना है जैसे कि पहले था, तो एक जूम इन वाला इफेक्ट जो है हमें मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो भी पबजी वीडियो को यूज़ कर रहे हो वो ऑलरेडी स्प्लिटेड होंगे, छोटे छोटे क्लिप में डिवाइडेड होंगे क्योंकि हमें किल करते टाइम ही जो है शो करना है, तो इसीलिए हर एक पबजी क्लिप में आपको चार एनिमेशन लगाना है, चार की फ्रेम लगाने हैं, दो स्टार्टिंग में एंड दो एंड में, तो इस हिसाब से आपको एडिट करना है। एंड आप जिस भी डायरेक्शन में पहले के मतलब स्टार्टिंग के की फ्रेम में यूज़ कर रहे हो, जो भी डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हो और ड्रैग कर रहे हो एंड लास्ट में आप जो एंड में जो आप की फ्रेम यूज़ करोगे एंड रोटेट करोगे वो दोनों जो है अल्टरनेट होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में जो है लेफ्ट से ड्रैग कर रहे हो तो एंड में जो है राइट से आप ड्रैग करो, ताकि जो है अच्छे से जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट आपको अच्छा लगेगा एंड ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमारा पहले क्लिप का एनिमेशन जो है कंप्लीट हो चुका है, चार की फ्रेम हमने ऐड कर लिए हैं। देन उसके बाद हमने जो स्टार्टिंग में एक ब्लैक कलर का स्क्रीन हमने एज अ लेयर यूज़ किया था उसको डुप्लीकेट करना है एंड हर एक आपको एनिमेशन के नीचे इसको यूज़ करना है, मतलब जितनी भी की फ्रेम आप रोटेट एंड ड्रैग करने के लिए यूज़ कर रहे हो उसके नीचे इस ब्लैक कलर के लेयर को आपको ऐड करना है एंड इस हिसाब से इसका टाइम ड्यूरेशन रखना है कि आपका रोटेट होकर ड्रैग होते टाइम ये ब्लैक कलर का स्क्रीन जो है आ जाए, ताकि अच्छा जो है हमें जूम इन एंड जूम आउट इफेक्ट मिल सकता है। यहाँ पर मैं एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार जूम इन हुआ एंड सेकंड में जूम आउट हुआ, तो इसी तरीके से आपको हर एक क्लिप में यही सेम इफेक्ट रखना है एंड जो ब्लैक कलर का वीडियो क्लिप हम हर एक की फ्रेम के नीचे रख रहे हैं उसका जो है आपको टाइम ड्यूरेशन जो है एडजस्ट करना है, अच्छे तरीके से इसको यूज़ करना है ताकि आपका जूम आउट इफेक्ट जो है अच्छे तरीके से हो सके। यहाँ पर मैं जल्दी से सारे की फ्रेम लगा लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ जल्दी से, तब तक आप बाकी के वीडियोस मेरे चेकआउट कर सकते हो। गेमिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, मॉन्टाज से लेकर गेमिंग लोगो तक सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे एंड वीडियो एडिटिंग की थोड़ी सीरीज़ में यहाँ पर काम कर रहा हूँ वो सब भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, टेक्स्ट इफेक्ट, वीडियो एडिटिंग, ट्रांजिशन वगैरह वो सब भी मिल जाएंगे। तो चैनल का कंटेंट चेकआउट करो, अगर पसंद आता है तो ट्राई करो यार सब्सक्राइब करने का। आप जिस भी की फ्रेम को रोटेट एंड ड्रैग कर रहे हो उसके बाद आपको एक बार प्ले करके देख लेना है कि एनिमेशन जो है अच्छे से ऐड हुआ है कि नहीं, देन उसके बाद आपको ब्लैक कलर का जो लेयर आप उस की फ्रेम के नीचे यूज़ करोगे उसके बाद आपको एक बार फिर से प्ले करके देख लेना है कि अच्छे से वो आपके एनिमेशन के टाइमिंग को मैच कर रहा है कि नहीं। ये जो है बहुत ही सही इफेक्ट है, अच्छा इफेक्ट है, बट बहुत ज़्यादा टाइम जो है आपको लगेगा, जो कि यूजुअली मोंटाज एडिटिंग में जो है बहुत सारा टाइम लगता ही है। Until I walk awake, scream my mind.
यहाँ पर हमारी सारी रीडिंग अपडेट हो चुकी है। अगर आप चाहते हो इन ब्लैक कलर के लेयर को एनिमेशन देना तो आप फेड एनिमेशन दे सकते हो इन एनिमेशन एंड आउट एनिमेशन में, एंड देन उसके बाद आपका एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, बस आपको एक्सपोर्ट कर देना है। Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows, how it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. Run, roll, here I go, all these people wanna know what you think of them.